मैं किसानों के समर्थन में आया हुआ हूँ। जब मैंने देखा कि मेरे किसान भाई सड़कों पर इस प्रकार भूखे बैठे हों, तो मेरा घर में बैठना बिल्कुल भी सही नहीं था। मैंने सोचा कि जब मेरे किसान भाई भूखे बैठ सकते हैं, तो मैं उनके समर्थन में कम से कम जा तो सकता हूँ। शिवम भाई, आप करते क्या हो वैसे? मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। 9वीं कक्षा के छात्र हो? हाँ जी। क्या उम्र है आपकी? मेरी 15 साल उम्र है। और आप यहाँ आए हो किसानों का साथ देने के लिए? जी, समर्थन की कोई उम्र नहीं होती। कितने दिन से हो यहाँ? मैं कल सिंगू बॉर्डर पे था, आज पहला ही दिन है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर। यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ पर अब आंदोलन में कैसा लगेगा, ये आंदोलन में कैसा लगेगा? लगना तो सरकार को चाहिए, संसद में बैठी गद्दी वालों को लगना चाहिए कि किसान भाई जिस प्रकार से भूखे बैठे हैं, अपना घर, अपनी मिट्टी, अपनी माँ का आंचल छोड़कर बैठे हैं, तो उन्हें लगना चाहिए। मुझे कैसा लगेगा, बस अच्छा लग रहा है, किसानों के साथ खड़ा हूँ, उनका प्यार मिल रहा है। कहाँ रहते हो रात को? मैं अब घर जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा। ऐसे करते रहोगे? हाँ। पढ़ाई का क्या हो रहा है? पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन क्लास होती है। यहाँ ऑनलाइन क्लास करते हो? नहीं, घर पे जाके करूँगा। मम्मी डैडी क्या बोलते हैं? नहीं, अब जब बच्चा हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़ा हो, मैं कोई खालिस्तानियों के साथ तो नहीं खड़ा, आतंकवादियों के साथ तो नहीं खड़ा, जो मेरा विरोध करेंगे। समर्थन में है मेरे, और मैं किसानों के समर्थन में हूँ। कुछ तुम्हारे जैसे जो और 15 साल के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके लिए कोई मैसेज है? मैं उनके लिए ये मैसेज कहूँगा कि यूँ घर में बैठे बैठे, रजाई में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये सरकार जागरूक नहीं होगी। और मैं कहना चाहूँगा, यदि कृषि प्रधान देश में किसान नहीं होगा, तो दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान नहीं होगा। मैं उन्हें संदेश देना चाहूँगा कि उम्र का लिहाज छोड़ो, क्योंकि समर्थन की कोई उम्र नहीं होती। आप आओ, किसान के साथ खड़े हो, पूरा देश एकजुट हो, और इस तानाशाही सरकार को समझ आए कि यदि किसानों के लिए कोई भी काला कानून हो या उनके खिलाफ हुई, तो हम लोकतंत्रवादी राष्ट्रवादी हैं, हम सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, इतनी छोटी उम्र में तुमको इतना सब कैसे पता है? जी, समाज की बहुत सी चीज़ों को देखा है मैंने। मैंने देखा है लोगों को भटकते हुए देखा है, मैंने गरीबी देखी है, मैंने लोगों के ताने भी देखे हैं, और किसानों को आज देख लिया कि वो किस प्रकार, आंदोलन कभी नहीं देखा था। भगवान की कृपा और इस सरकार की रहमत है कि मैंने आंदोलन भी देख लिया। देखते हैं आगे क्या क्या दिखाएंगे।